भाई 25 तरीके के समोसे हैं, पर 25 तरीके के। नो वंडर को समोसा किंग बोलते हैं। गरम। हाय गाइस। गाइस देखो चाय का ग्लास है हमारे हाथ में और चाय ना खाली पी नहीं जा सकती। चाय के ना सबसे बेस्ट होते हैं समोसे। तो इसलिए मैं और गट्टू आज जाएंगे दिल्ली और ढूंढेंगे टॉप 5 समोसा जो कि हमारे चाय के गिलास के साथ सबसे बढ़िया लगे। गिलास मजा ही आ गया। चलते और बताते हैं हमारे चाय के गिलास के साथ सबसे बेस्ट समोसा कौन सा है। सो गाइस हमें न्यू मोतीनगर, ये मोतीनगर के जस्ट पीछे ये करमपुरा रोड के ऊपर एंड यहाँ पर हम आए हैं कुमार समोसा वाला जो कि बहुत बहुत फेमस है यहाँ पे एंड ये 2 डेकेड से ऊपर समोसे दे रहा है और इनकी टैगलाइन इज वैरायटी ऑफ समोसा। हमने ऑर्डर किया है एक नॉर्मल आलू समोसा और उसके साथ किया है पिज्जा समोसा। क्योंकि यहाँ पे काफी फेमस है, फेमस यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे समोसे मिलते हैं, लेकिन हमें पिज्जा समोसा खाने का। भाई 25 तरीके के समोसे हैं, पर 25 तरीके के। मुझे ना ऐसा लगता था कि लोग ब्रेकफास्ट में ना थोड़ा इतना समोसा टाइप कम खाते होंगे, लेकिन हम सुबह सुबह आए हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, समोसा ले रहे हैं, सब बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। देखो फ्राइड फूड के लिए ही लाइन लगती है सुबह सुबह। हाँ सही बात है, बट मैं इसे रुका नहीं जा रहा। ये आलू वाला मिला। चीयर्स गट्टू। खाली पेट सुबह सुबह सबसे पहले समोसा है ना। मैं और गट्टू दोनों ब्रेकफास्ट ही करके आए, इसको तोड़ते हैं। अब इसका चटनी तो लगाने का फायदा नहीं है, ठीक है। चीज भी है क्या? यस इट्स अ पिज्जा समोसा, चीज भी है और काफी क्रीमी है। एग्जैक्टली मेरे भी स्कूल में ना ऐसे ही समोसा मिलता था, ये आलू वाला नॉट पिज्जा वाला। पिज्जा वाला तो मैंने पहली बार खाया, बट दोनों समोसे टॉप हैं, इसी वजह से इतना रश है यार यहाँ पे। मैं आपको बता दूं काफी जगहों पे जो व्हाइट सॉस पास्ता मिलता है ना स्ट्रीट फूड, उससे कुछ ज्यादा अच्छी इनकी स्टफिंग है। सो इट्स वेरी नाइस, अमेजिंग। इसको 10 में से रेट करना हो कितना करेगी? आई थिंक मैं 8 नंबर दूंगी यार इसको। मैं भी इनको 8 नंबर दूंगा इनके पिज्जा समोसा के लिए। भाई नेक्स्ट लेवल। मेरा मन पता क्या कर रहा है यार, कि अभी चाउमीन भी ट्राई कर ले, पनीर भी ट्राई कर ले, सब ट्राई कर ले, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें और भी जगह पे जाना है। अगर ये समोसा वीडियो ना होती ना, मैं बिरयानी भी खा रहा होता, इसको भी खिला रहा होता। और अभी हम चलते हैं अगली जगह पे और बाहर दूसरा समोसा खाएंगे। सो गाइस हमारी अगली लोकेशन है रोहिणी में तिलक मंजुल आर समोसे वाले। यस ये भी जैसे कि आपको पता है लेगेसी है, अपने आप में बहुत पुराने बैठे हैं। बहुत पुराने नहीं, ये सबसे पुराने बैठे हैं। 1947 इंडिपेंडेंस के टाइम इन्होंने शॉप खोली थी एंड तब इनको ना फ्रंटियर समोसे वाले बोलते थे एंड फिर इनका नाम चेंज हो गया। नाम चेंज होके इन्होंने तिलक मंजुली रख दिया एंड इनका एक और नाम फेमस है पंचकुइया समोसे वाले। सो गाइस हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर एक आलू समोसा, एक सैम बर्गर एंड दिस इज दाल समोसा। गोभी समोसा हम खाने आए थे बट अभी अंकल के पास है नहीं, उन्होंने बोला ये ट्राई करो तुम्हारा गोभी से मन जाएगा। हमने एक्चुअली दाल समोसा और सैम बर्गर ट्राई कर लिया था, मतलब ऑर्डर करा था, लेकिन उन्होंने स्पेशली बोला कि हमारी आलू समोसा चने वाले छोले वाले हैं जो वो स्पेशलिटी है, वो जरूर खाओ। इनके चने एक बार टेस्ट करूं। ओए कट्टे चने। ओ नो वंडर को समोसा किंग बोलते हैं। है ये बन समोसा लेकिन इन्होंने इसको सैम बर्गर आलू के नाम से रखा हुआ नाम इसका। ओ हो 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 क्या तोड़ा है गट्टू तूने। समोसा का टेस्ट, ओ माय गॉड, मेरे को पहले एक्चुअली अलग से समोसा खाना है यार। इनकी इमली की चटनी इतनी पार है बता नहीं सकता। आओ खाली समोसा खा यार। मैं बहुत गर्म हूं। यहाँ पे स्पेशली एक अंकल आए हुए थे हमारे से पहले शाहदरा से, वो बोलते हैं मुझे किसी ने स्पेशली बोला कि यहाँ पे जाके मैंने समोसे पैक करा के लेके आओ। तेरे के लिए एक बाइट बनाता हूँ।
ओ ये मूंग दाल है ना, ये बाइट टेस्ट कर देख। जो मूंग दाल का ब्लैंड फ्लेवर है ना नमकीन का और चने का जो कटास है उसके साथ, भाई क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है यार। मैंने पहली बार खाया दाल समोसा, मैंने पहली बार खाया दाल वाला, बट बहुत टेस्टी है। और ये तो प्रोटीन हुआ ना। हाँ बिल्कुल यार, समोसा कुछ भी नहीं है, दाल खा रहे हैं हम, प्रोटीन खा रहे हैं। जब आप कभी डाइट पे तो आप ये दाल समोसा खाना। और ये समोसे का साइज भी बड़ा है, नॉर्मल समोसा से बहुत बड़ा है जो लोग देते हैं। ऐसे ही नहीं, कोई इतने सालों से चला रहा है और उसी क्वालिटी उसी टेस्ट में मेंटेन करके चल रहे हैं, एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग। इसको अगर मैं 10 में रेट करूंगा ना तो ये आज पहले का आइटम होगा जो 10 में से 10 लेके जाएगा। वाओ, ये ना मैं आपको सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो में बता नहीं सकता कि इसमें कितना परफेक्शन यूज किया और कितने सालों का तजुर्बा है इसमें बनाने में। दिखने में तो सिंपल समोसा है बट यार ये फ्लेवर्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो अंदर दाल है बिल्कुल गीली नहीं सूखी हुई क्रिस्पी और साथ में छोले मेंटेन है सारी चीजें, 10 नंबर्स के बनते हैं और ये डन है। I'll go with Gattu because this deserves 10. So guys, अब हम आ गए हैं विकासपुरी और यहाँ हम आए हैं मेडली का समोसा खाने के। भाई यहाँ पर 70 तरीके के समोसे मिलते हैं बट हर टाइम आपको सारे समोसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मोस्टली 45 से 50, 45 से 50 समोसा आपको मिल जाएंगे एट अ टाइम, क्योंकि बाकी चीजें सीजनल होती हैं। yes. तेरे पे क्या लिखा चौमिन। ओह चौमिन लिखा हुआ है, जो समोसा ऑर्डर करते हो वही लिखा होता है। मेरे पे लिखा है चिकन। आपको कहाँ मिलते हैं आपके समोसे ऐसे टैग हुए हुए कि ये चिकन समोसा है, पैकेजिंग होती है बट ये सही है न्यू। तो हमने देखा कि जैसे हम आए हमने इनको ऑर्डर दिया तो इनके पास सारे फ्रोजन समोसे हैं, वो ऑर्डर लेते हैं और उसको फ्राई करते हैं फिर तुम्हें देते हैं। मतलब ये मैंने पहली बार देखी है ये थी। यार इसकी ना मेरी बहुत याद है इस समोसे के साथ। How's it? Oh. अरे ओ क्या होता है, ऐसी थोड़े टॉप 5 में हमने रखा है ने। कटू एक्चुअली तेल नहीं लग रहा यार इसमें। हाँ प्रॉपर चाइनीज चाउमीन का फ्लेवर आ रहा है, मतलब जो हमारी स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बनती है वैसा ही फ्लेवर है पूरा। अब इसको एक बार खोल के दिखा दो कीमा की स्टफिंग। घर पे मैं बनाता हूँ ना कीमा चिकन या मीट वगैरह कुछ भी बनाता हूँ जैसे उसमें होता है बिल्कुल वैसे इम्प्रेसिव। अब बाइट लेके देता हूँ, भाई साहब कितना कीमा है यार। गरम है बहुत। एक बाइट ले ले इसकी, आज नॉन वेजिटेरियन बन जाएगी। आई विश मैं ले पाती लेकिन आई हैव माय चाउमीन समोसा। दिस इज सो टेस्टी। सो बेसिकली इसके अंदर समोसे का आउटर लेयर कम है और कीमा ज्यादा है। ये आ गया हमारा मैक्रोनी। सो गाइस हमने डिसाइड किया है गिरीशा और मैं अब बेस्ट ऑफ 5 कर रहे हैं तो एक थोड़ा कंपटीशन भी हो जाए। जो सबसे पहले समोसा खत्म कर देगा वो हो जाएगा विनर। हारने वाला उसे 500 रुपए देगा। 1, 2, 3 गरम बहुत है, मैं तेरा भी खाने का मन कर रहा है। गरम हाँ, ठंडा होने पे ठंडा जाने मैं चाले ना गरम के चक्कर में हार जाऊंगी मुझे लग रहा। इसमें इतना चिकन है मैं चबा चबा के थक गया। अबे हम दोनों 1 मिनट क्रॉस कर चुके हैं एंड देन no one is the winner because the samosas are too good to do a challenge and also they are very very hot plus hame isko na aaram se khane mein maza aa raha hai bhai iski stuffing itni zyada hai inke andar ye ek bar mein 1 minute mein nahi khatam kar sakte now you can try ab main try karu isko number main dunga 10 mein se 9 number dekho 9 iske bante hain quality of samosa aur jo oil bilkul bhi nahi aa raha iske andar jo stuffing hai bhai जानदार। सो गाइस हम आ गए अपनी अगली लोकेशन में व्हिच इज बांग्ला स्वीट हाउस इन सीपी। यस, और आपको एक बात बता दें मैं और गट्टू ने यहाँ टॉप 5 गोलगप्पे खाए थे तो ये उनमें से एक जगह थी और ये नहीं वो वीडियो। और आज हम यहाँ पे समोसे खाने आए हैं। भाई क्या स्मेल आ रही है यार, गार्लिक की। ये रहा हमारा समोसा और मेरे पास अभी मटर पनीर समोसा है। यहाँ पे मैंने और गट्टू ने 2 समोसे ऑर्डर करे और दोनों हम शेयर करके खाएंगे क्योंकि हम बहुत खा चुके हैं। इस पे डिजाइन तो दिखा देती इनको। ओ यार ये डिजाइन देख लो, अब तो मैंने तोड़ दिया पूरा समोसा। नमक ही नहीं है इसमें। ये ले आलू वाला ट्राई करके देख। लेट्स सी, आई हैव सम होप्स फ्रॉम आलू।
Girisha is not happy with these samosas. I'm genuinely not happy with this. Masale hain, aloo hai, sab kuch hai, lekin taste nahi aa raha hai. मटर पूरे ड्राई हैं, तो अगर आपका समोसा खुला तो सब बाहर डुल जाते हैं. है ना गट्टू? इसमें ना मटर पनीर का मतलब वो नहीं है कि जैसा आपके घर में सब्जी बनती है मटर पनीर की. इट्स जस्ट लाइक मटर एंड पनीर. हमें चटपटा खाने की आदत है और एकदम नमकीन मसालेदार खाने की आदत है. बट आई थिंक कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा. ओपिनियन बेस्ड है. आप आगे ट्राई करना, आप बताना आपको कैसा लगा. ये काफी डिफरेंट है यार. इसको अगर 10 में से रेट करना हो ना तो मैं इसको रेट करूंगा 10 में से 5, क्योंकि समोसे की इज्जत रखनी है. सो गाइस, ये है दादू कटलेट शॉप का समोसा और गर्मा गर्म समोसा निकल के आया है. एंड लुक एट दिस ग्रीन चटनी विच इज दही वाली. ये अभी निकला है सीधा तेल में से फ्राई होके, तो इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है. ओए हो, धुएं निकल रहे हैं अंदर से. मुझे समझ आ गया है क्या सीन है. ये चटनी की वजह से चल रहे हैं. मैं एक बार ना थोड़ा सा घर के लिए पैक करा लेता हूँ दो मिनट जाके. टेस्टी है यार. देखो अगर मैं इसको 10 में रेट करूँ ना तो ये तो पक्का 8 पे जाएगा. और इसकी चटनी किसी के साथ भी खा लो, किसी भी चीज़ के साथ खा लो, इसकी चटनी घातक नेक्स्ट लेवल है. देखो मैंने ऐसा सुना है कि ये लोग अपने मसाले में, आलू वाले मसाले में गोभी डालते हैं. एंड हाँ, मैंने ये सुना है बट लेकिन वो खा के पता चला, गट्टू को तो नहीं पता चला खा के, बट ये डालते हैं गोभी. एंड मुझे दिख नहीं रही है, क्या पता खा के पता चल जाए. वैसे दादू का हर चीज फेमस है बट समोसे तो अलग ही फेमस है. चटनी है ना एकदम. ओह माय गॉड, काफी कुछ डाला हुआ है इसमें उन्होंने. ये कितना क्रेजी लग रहा है ना, ऐसे जैसे तूने इसका पोस्टमार्टम किया है. समोसा अच्छा है बहुत, लेकिन मेरी चॉइस में ये 7/10 आता है. सो गाइस, ये थे आज के हमारे टॉप 5 समोसास इन दिल्ली. भाई मेरे फेवरेट थे ना तो वो थे पीतमपुरा वाले पंचकुइया वाले समोसे. क्या सेक्सी समोसे थे वो. सेम यार, आज मेरे भी वही फेवरेट है. हम दोनों को वो बहुत ही पसंद आए एंड वी आर गोइंग बैक अगेन वहां खाने के लिए. आपको लगता है अगर हमने कोई ऐसा जॉइंट मिस कर दिया समोसे का जो हमें ट्राई करना था, कमेंट करके बताना. नेक्स्ट वीडियो में वो भी कर लेंगे. और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज वो भी कमेंट करके बता देना. इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द अर्बन गाइड. बाय.